कर रहा हूँ श्री जयंत राव पाजी का ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री। जय मां काली क्रिकेट महाकुंभ नरौन भागवतसर के फाइनल मैदान के कार्यक्रम में उपस्थित यहां कैरिया और कपड़ा शास्त्र के बीच में रोमांचक मैच हुआ। इसके लिए दोनों टीम का जो भी प्लेयर थे उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई हम देते हैं। यहां पर उपस्थित जो है हमारे जिला अध्यक्ष हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, बालेश्वर गांधी जी और यहां के युवा जिला परिषद सदस्य प्रीतम शाह जी और यहां पर उपस्थित खुदरी पटेल जी, अभय कुमार जी, आभास कुमार जी, अभय कुमार जी, सुधांशु कुमार जी, बिट्टू कुमार जी, प्रखंड अध्यक्ष जी, राजीव जी, मनोज अय्यर जी, डॉक्टर विनय सिंह जी, प्रेम प्रकाश जी, नवल सिंह जी, सोनी सिंह जी, अशोक सिंह जी, नीरज रजक जी, अशोक सिंह पुर जो है मुखिया जी और महेंद्र मंडल जी, संभी राय जी, महेश सिंह जी, पप्पू यादव जी, सुबोध कुमार जी और जितने भी उपस्थित यहाँ के देवियों और सज्जनों, आप लोगों की धारणा से हम अवगत हुए और आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि अमरपुर विधानसभा के अंदर में पूर्व के समय में कोई स्टेडियम नहीं था और पूर्व में हम लोगों ने एक स्टेडियम मीडिया नाथ में हम लोगों ने बनाया था। आप लोगों ने नहीं यहाँ पे क्रिकेट खेला है लेकिन मीडिया नाथ स्टेडियम हम लोगों ने बनाया है अमरपुर विधानसभा के अंतर्गत में, अमरपुर प्रखंड के अंतर्गत में और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार में युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए हर एक प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण कराया जाना है। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, अगर सरकार का भी कुछ गाइडलाइन होता है स्टेडियम के संबंध में, सरकार का कुछ गाइडलाइन होता है, उस गाइडलाइन पे अगर ये फील्ड आ जाता है तो हम इसका जरूर जो है प्रयास करेंगे और प्रयास करके हम इसका प्रस्ताव को भेजेंगे। लेकिन प्रस्ताव भेजने के बावजूद कुछ कुछ जगह का जो नाप है और कुछ कुछ तरीका होता है स्टेडियम का, चूंकि आप लोगों को जानकारी में देना चाहता हूँ, कुछ कुछ जगह के बारे में कुछ कुछ ये रहता है कि कितना लंबाई होना चाहिए, कितना चौड़ाई होना चाहिए, उसके अनुसार ही स्टेडियम बनता है। लेकिन ये मैदान फिर भी आप लोगों का मैदान बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है और यहाँ पे जो अभी क्रिकेट का मैच जो हुआ वो काफी रोमांचक हुआ, काफी आधुनिक तरीके से हुआ। ड्रोन कैमरा यहाँ पे लगा हुआ था, ड्रोन कैमरा के द्वारा यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा था और जितना अच्छा क्रिकेट के खिलाड़ियों ने खेला ये काबिल तारीफ है यहाँ के क्रिकेटर का कि यहाँ के युवाओं में इतनी प्रतिभा है। आप विश्वास रखिए कि मैं इसका प्रस्ताव जरूर दूंगा। प्रस्ताव यहाँ से जाता है, खेल मंत्रालय के पास जाता है, उसमें जो भी ये होता है तो उसमें कुछ कुछ और स्टेडियम अर्थात कुछ कुछ मैदान का, दो तीन मैदान का हम लोगों को देना पड़ता है, उसका प्रस्ताव हम लोग यहाँ से जरूर भेजेंगे। इस मैदान का भी प्रस्ताव हम लोग भेजेंगे और विधायक इत्यादि फंड से भी जो काम यहाँ पे होना चाहिए वो हम लोग करवाने का काम करेंगे। आप लोगों के समक्ष हम ग्रामीण कार्य मंत्री बनने के बाद पहली बार यहाँ पे आने का आप लोगों के पहले से मौका मिला है। हमको ग्रामीण कार्य मंत्री बनने से पहले आप लोगों ने मुझे यहाँ का विधायक बनाया है। यहाँ का विधायक बनाने का आपने जो विश्वास हमारे ऊपर किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का विश्वास मेरे ऊपर हुआ कि मुझे ग्रामीण कार्य मंत्री बनने का मौका मिला। ग्रामीण कार्य मंत्री का कार्य होता है रोडों को बनाना, ग्रामीण सड़कों को बनाना। आप ये जानकर खुशी होगी कि हमने मंत्री बनने के बाद कम से कम 50 सड़कों का जो जनोद्धार का काम है उसको हम लोगों ने कराने का काम किया और उसका टेंडर भी निकल चुका है। हाल फिलहाल में उसका टेंडर निकल चुका है। लगभग 50 साठ टोला जो कि यहाँ का छूटा हुआ था, जो एकल संप्रत्याश से छूटा हुआ था, उसको भी हम लोगों ने जोड़ने का काम किया है, उसके सर्वे का काम हम लोगों ने करा लिया है और
यहाँ लगभग 17 के आसपास 17-18 सड़क जो PMGSY के फेज 3 के अंतर्गत में हम लोगों ने स्वीकृति दिलाने का कार्य किया है, जिसमें इस सड़क का भी नाम है जो आपके सामने से ये सड़क है, इस सड़क को भी हम लोगों ने PMGSY फेज 3 के अंतर्गत में स्वीकृत कराने का काम किया है। आप यहाँ पर जितना भी काम अमरपुर विधानसभा में अभी हो रहा है वो आपको किसी भी समय में देखने को मिल जाएगा कि लगभग जो है सभी सड़कों को हम लोग जोड़ देंगे और कोई भी गांव ऐसा नहीं रहेगा जो कच्ची रहेगा, कोई भी गांव ऐसा नहीं रहेगा जो सड़क विहीन रहेगा। हम लोग हर एक सड़क को बनाने का काम कर रहे हैं और जहाँ तक रहा स्टेडियम का बात, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द आप लोगों का शंभू जन प्रखंड में तो कम से कम एक स्टेडियम हम लोग बनवा लें और इस फील्ड को भी हम लोग सिक्योरिटी के लिए भेजेंगे कि इस फील्ड का लंबाई चौड़ाई देख के अगर ये माप अगर अगर इसका मापक पे आ जाता है तो इसको भी हम लोग ले लेंगे कि जो है इसको स्टेडियम के लिए हम लोग बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के जो दोनों क्रिकेटर टीम है, यहाँ पे मुझे आने का मौका मिला, आप लोगों ने आयोजक मंडली ने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आयोजक मंडली का धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ उपस्थित जितने भी क्रिकेटर हैं, जो भी दोनों टीम के खिलाड़ी हैं और पूर्व में भी कई क्रिकेट के टीम के खिलाड़ी खेल के गए होंगे जो फाइनल में नहीं आ सके, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत